आप देख सकते हो सतीश कॉस्मेटिक सेंटर करण अर्जुन वाले भैया चूड़ी वाले यहाँ पे करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मरा और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 1997 में फिल्म आई करण अर्जुन और इस समय जो है मैं करण अर्जुन की ही सीरीज चला रहा हूँ। तो एक सीन होता है जिसमें जो है करण अर्जुन आते हैं चूड़ियाँ लेने अपने माँ के लिए, चूड़ियों वाले बाज़ार मैं आया हुआ हूँ और ये एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पड़ता है भर्तृहरि माता मंदिर है यहीं पर, पीछे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे धूप सामने से आ रही, ये है भर्तृहरि माता मंदिर। यहीं पर जो है करण अर्जुन चूड़ियाँ लेने आते हैं। करण अर्जुन वाले भैया की दुकान अभी खुला नहीं है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सीन ऐसा होता है कि जब हमारे जो करण अर्जुन लौट के आते हैं वहाँ से पुनर्जन्म में, तो एक भैया से उनको याद आता है। तो उसके बाद वो कहते पूछते हैं कि यहाँ पर कोई चूड़ियों का पुराना बाज़ार है, तो बोलते हैं हाँ। तो तब वो यहाँ पे चूड़ियाँ लेने आते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो चूड़ियों का मार्केट किस तरीके से है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहुंचने वाले हैं उस करण अर्जुन भैया वाली दुकान पर जो चूड़ी होती है, चूड़ियाँ जहाँ से लेते हैं उस दुकान पर मैं पहुँचने वाला हूँ। और इधर हर्षित भाई भी लगा हुआ है अपना, और वो जो चूड़ी वाली दुकान है वो अभी फाइनली क्लोज है। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सतीश कॉस्मेटिक सेंटर देख रहे हो। हमारे साथ अंकल जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अंकल जी आप यहीं के रहने वाले हैं? तो अंकल जी ये मंदिर बहुत ही पुराना प्राचीन है, इसके बारे में हिस्ट्री आप बता सकते हैं, इतिहास इसका किस तरीके से यहाँ पे माता जी का यहाँ पे मंदिर? अच्छा बाबा जी हैं, भर्तृहरि बाबा बाबा हैं। अच्छा हम सोचे माता जी का ये मंदिर है। तो कैसे क्या यहाँ पे मतलब धाम बना? ये उज्जैन का राजा था। अच्छा यहाँ तपस्या की थी बार आगे। अच्छा उन्होंने तपस्या यहाँ पे की, तपस्या करी थी भर्तृहरि बाबा। अच्छा उसके बाद यहीं पे वो जो है धाम बन गया। सही है इसका मतलब है। यहाँ पे एक करण अर्जुन फिल्म भी शूट हुई थी। हाँ वो चूड़ी वाला बाजार यही है, चूड़ी के बाजार। तो आप देखे थे क्या यहाँ पे तब? देखे थे ना। आपकी एज कितनी थी? तो 10-12 साल। 10-12 साल तो उसमें ये सारी दुकानें आई हुई दिखाया गया है। थोड़ी आगे की दुकान जब, हाँ अब पीछे होगी दुकान। अच्छा पहले उधर एक दुकान है मुझे लग रहा है वो वाली करण अर्जुन वाले भैया, वो दुकान बाद में नहीं थी। अच्छा पहले इधर कहीं थी? इधर की थी दुकान। अच्छा थी, अच्छा इधर थी। अच्छा हाँ वहाँ पे दुकानें भी आगे नहीं है और उसमें दिखाया गया बहुत लंबा मतलब सीन दिखाया गया है। बिल्कुल सकड़ा बाजार था पहले। हाँ अब यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। धन्यवाद अंकल जी बताने के लिए। आप देख सकते हो सतीश कॉस्मेटिक सेंटर करण अर्जुन वाले भैया चूड़ी वाले यहाँ पे इनका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है। ये वाली दुकान है आप देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दुकान अभी ये दूसरी दुकान है, बाद में है। जैसा कि भैया ने बताया कि ये दुकान जो है नई मतलब बनी हुई है, जो पुराना दुकान था वो उधर वहाँ पर उस साइड में था। और ये जो आप बीच में थोड़ा गैपिंग देख रहे हो, गैपिंग देख रहे हो, ये थोड़ा जो है सकरा रोड था अब, लेकिन ये यहाँ पे चौड़ा हो चुका है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आने के लिए आपको भर्तृहरि उतरना पड़ेगा, फिर भर्तृहरि धाम बाबा जो हैं उनके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये आप ऑटो रिक्शा या इस तरीके से यहाँ पे जीपे बहुत ज़्यादा चलती हैं यहाँ पर, तो आप 10 रुपये दे के वहाँ से यहाँ आ सकते हो। तो गाइस बिल्कुल देख रहे हो ये जो सतीश भैया की दुकान है, और इसमें जो करण अर्जुन आते हैं चूड़ियाँ लेने के लिए उसमें जो है सतीश भैया के जो है पिताजी की चूड़ियाँ देते हैं जो हाल ही में एक्सपायर हो चुके हैं, तो इसीलिए वो दुकान अभी नहीं खुल पा रही है। उनके पिताजी जो है एक्सपायर हो गए इसलिए वो दुकान नहीं खुल पा रही है, तो इसीलिए वो दुकान है बंद। तो जिसके वजह से हम यहाँ पर शूट नहीं कर पाए, और वो शायद अभी एक्सपायर हो गए तो 15 दिन तो ये दुकान बंद रहेगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब एक्सपायर हो गए तो ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। तो इधर भी अभी बहुत सारी दुकानें हैं आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। हमारे भैया जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। भैया जी ये जो पानी निकलता है चिमटे से जी, तो ये मतलब कैसे क्या है उसकी हिस्ट्री? ये भर्तृहरि महारानी ने निकाला। अच्छा कैसे मतलब इसकी हिस्ट्री होगी, कैसे निकाला है? हमारा था पहाड़ के अंदर। अच्छा जब से पानी निकला वहाँ से पानी निकलने लगा।
तो देखिए भैया जी ने बता दिया है जो मंदिर से पीछे आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर पीछे जो बाबा भर्तरी धाम है ये वही मंदिर है। आप देख सकते हो पीछे से व्यू यहाँ का, देख सकते हो ये यहाँ का, मैं बीच चौराहे पर हूँ, यहाँ का सीन देख लीजिए। थोड़ा अंदर में आया हूँ, इधर बंदर बहुत खतरनाक बैठे हुए हैं तो मोबाइल को थोड़ा संभाल के रखना होगा। तो यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं इधर भी इस साइड। फिल्म की शूटिंग लोकेशन जो चूड़ियों का बाजार अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।